पब्लिक सेक्टर बैंकों के कंसोलिडेशन से पूरे बैंकिंग सेक्टर की एफिकेसी बढ़ी है और मार्केट से फंडरेज करने में भी बैंकों को मदद मिल रही है। जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं इससे आज बैंकों के पास एक विशाल और मजबूत कैपिटल बेस बना है। आज बैंकों के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। एनपीएस की प्रोविजनिंग का बैकलॉग नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंकों के एनपीए आज 5 सालों में सबसे कम है ही। आज भारत के बैंकों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि वो देश की इकोनॉमी को नई ऊर्जा देने में, एक बड़ा पुश देने में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं इस फेज को भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा माइलस्टोन मानता हूं। सरकार ने जिस पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया है उसका एक प्रतिबिंब बैंकों को वापस मिली राशि भी है। हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है।